बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं चैनल सिटी 55 प्रोग्राम नई सुबह विद सोनी राणा के साथ। आज का प्रोग्राम आपकी मेज़बान सोनी राणा के साथ। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ आपका फीडबैक मुझे मिल रहा है, फीडबैक आपका बहुत अच्छा है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि आप हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं। और जैसे जैसे सर्दी जा रही है, सर्दी फील हो रही है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, हल्का हल्का सा बुखार हो रहा है सबको, और वही हिसाब मेरा भी हुआ है आज के। सर्दी जा रही है, पता लग रहा है कि सर्दी जा रही है, इतनी अब सर्दी नहीं लगती, माशाल्लाह धूप से ही निकल रही है, लेकिन फिर भी फीलिंग सुबह सुबह के टाइम जो सर्दी है वो महसूस होती है। पहले तो मेरा ये काम था कि मैंने नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ के सो जाना है। मम्मा ने कहना कि नहीं बेटा, नमाज़ पढ़ के नहीं सोते, नमाज़ पढ़ के नहीं सोना, कुछ ना कुछ कर लें, तिलावत कुरान पाक कर लें, उसके अलावा कुछ और काम कर लें। मेरी मामा जो है उनका स्पेशल ये होता है, वो कहती हैं कि कुछ ना कुछ करते रहें, सोए आप, जब सारे काम ख़त्म हो जाएं, ये नहीं कि 11 बजे उठें फिर काम करें और फिर जी आप लोगों का जो नाश्ता है वो भी 1 बजे हो, फिर उसके बाद काम ख़त्म करें, काम ख़त्म करने के बाद जो लंच है वो 4-5 बजे, और डिनर जो है वो आप लोगों का 11 बजे हो। उनको हमारी ये वाली जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल नापसंद है, तो बस ऐसे ही है, चलता है। आज जब मैं सुबह सुबह उठी हूँ और 5:30 का टाइम मैं नमाज़ अदा की है, नमाज़ अदा करने के बाद जब मैं निकली हूँ तो रेडी हुई हूँ, थोड़ा सा घर से बाहर निकली हूँ, जी आज ज़रा स्टूडियो टाइम पे जाना है, टाइम पे जाना है, फिर भी बड़ा टाइम है, लेकिन जब देखा है तो अंधेरा नज़र आया कि अच्छा इस टाइम इतनी रोशनी होती है और इस टाइम इतनी नहीं, तो मैं कह रही हूँ कि ओहो ये मैंने, मैं क्यों इतनी जल्दी उठ गई हूँ, मैंने नहीं, मैंने स्टूडियो जाना है तो 9 बजे जाना है ना, 9 बजे जाके अपने प्यारे प्यारे स्वीट स्वीट व्यूवर से मिलना है, इतनी मुझे कौन सी जल्दी है कि मैं 6 बजे ही उठ के तो स्टूडियो में पहुंच जाऊँ। स्टूडियो में पहुंच के तो इधर भी हमें बहुत से काम करने होते हैं, जाहिर है फिर हमने आपके लिए कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो रेडी करके ही आना होता है और हमने बोलना होता है। हम अगर आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, अपनी कोई भी बात है, जाहिर है हम वो हमारी बात अथेंटिक होगी तो हम बात कर सकेंगे। अगर हमारी बात अथेंटिक नहीं होगी तो हम बात कैसे करेंगे? इसीलिए फिर उन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। समटाइम हमें भी नहीं पता चलता, हमारी भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। अगर गौर फिक्र ना करें, रिसर्च ना की जाए तो मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर फिक्र की जाए, गौर किया जाए, गौर के साथ फिक्र की जाए तो मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं इतनी ज़्यादा होती। एक फिक्र के साथ काम करना, उस काम को लेके बाखूबी तरीके से चलना, ये भी बहुत लोगों को आता है। और कुछ लोग अपने काम के साथ इतने अटैच होते हैं कि वो अगर दिन को काम कर रहे हैं तो रात को भी वो ख्वाब में भी काम कर रहे होंगे, जी ये काम हमने इस डेट पे करना है, इस डे को करना है। तो आज मैंने जिस तरह खुद को कवर किया हुआ है वो भी सर्दी की वजह से ही है कि मुझे सर्दी फील हो रही है। बेशक लाइट्स हैं, ऑन है, हर चीज़, हीटर भी प्रोवाइड है, लेकिन फिर भी मुझे वो सर्दी फील होती रहती है और मेरा बस चले तो मैं उनको अपने पास ही रख लूँ कि मुझे इतनी सर्दी फील हो रही है। मे भी जिस तरह मौसम चेंज हो रहा है तो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, तो उसी तरह सबका हाल हो रहा हो, लेकिन ये अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें और ज़रा सर्दी से अपने आप को कवर करें, महफूज करें, अपने आप को बचाएं। बेशक सर्दी ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन जब सर्दी लगती है तो लगती है, क्योंकि हम जानदार हैं और जहाँ एक इंसान है तो इसलिए ज़रा सर्दी का ख्याल रखना चाहिए। जी व्यूवर्स, ये तो हो गई आपकी और मेरी चिट चैट गॉसिप, इसके बगैर गुजारा नहीं। जब तक गॉसिप ना की जाए मज़ा नहीं आता।
आते ही जी अस्सलाम वालेकुम और अपना शो शुरू कर दे, अपना टॉपिक बयान कर दे, इस तरह नहीं। आए आपके साथ थोड़ी बात हो, बात के बाद हम टॉपिक की तरफ आए, टॉपिक के ऊपर बात करें, जो हमारा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग बात करें। लेकिन थोड़ी सी आपके साथ भी तो चिट चैट करने का मज़ा आता है, थोड़ा सा तो बनता है ना कि आपकी होस्ट हूँ, आपकी मेज़बान हूँ, तो आपके साथ थोड़ी सी बात करूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिंदगी है और हम लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। हम बहुत से लोगों से इंस्पायर होते हैं, हम चाहते हैं कि हम जिस बंदे से हम इंस्पायर हो रहे हैं हम उसके एक एक बात पे अमल करें, एक एक लफ्ज़ पे अमल करें। हम उस जैसा बनना चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हमारा ये होता है कि हम कुछ करके दिखाएं, हम कुछ बने, हमारा कोई मुकाम हो, हम इज्जत पाएं, ये चीज़ हम चाहते हैं। और अगर देखा जाए ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, अगर उसको अच्छे तरीके से भी गुजारा जाए तो ज़िंदगी, इसी का तो नाम ज़िंदगी है, ज़िंदगी में अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, ज़िंदगी में बहुत कुछ आता है। ज़िंदगी में किसी का सहारा ले के चलना, किसी को सहारा दे के चलना, किसी के एहसास जज्बात को समझना, कोई हमारे एहसास जज्बात को समझे, फिर हम कभी अपने दुख सुख को एक दूसरे के साथ शेयर करना, कोई हमारे दुख सुख में शामिल हो, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये नहीं कि जो नहीं मिलता हम उसी को ज़िंदगी कह दें जी ये ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन्हीं मुश्किलात को हम सब्र के साथ, सब्र के दामन के साथ अगर गुजार दें तो हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और अल्लाह पाक हमारा जो सब्र है वो आजमा रहा है और देखता है कि मेरा बंदा कितना को सब्र करता है। अगर देखा जाए तो मुश्किल वक्त किस पे नहीं आया, मुश्किल वक्त सब पे आया, हर एक पे मुश्किल वक्त आया। अगर उन लोगों पे मुश्किल वक्त आया, अगर हम नबियों की बात करें, वलियों की बात करें, तो उन लोगों ने भी बहुत से मुश्किल वक्त देखे, उन लोगों ने भी बहुत कुछ देखा और आज उनका एक मुकाम है, एक नाम है। अगर हम दूर नहीं जाते तो हम दूसरे लोगों को देख लेते हैं, वलियों को देख लें, इन लोगों ने कितनी मेहनत की, इन्होंने ज़िंदगी किस तरह गुजारी। इन लोगों को अगर पढ़ा जाए, इन लोगों को नहीं, इन शख्सियात को अगर पढ़ा जाए तो हमें पता चलता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारा, किस तरह लेके चले आजिज़ी के साथ, ना कोई अकड़, पैसा भी हो लेकिन आजिज़ी के साथ, आजिज़ी के साथ चलना ही ज़िंदगी है। अगर हम एटीट्यूड में रहेंगे, ईगो हम में रहेगी, हम कहेंगे कि जो हम हैं सिर्फ वो हम ही हैं, नहीं, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हम वो नहीं, हम क्यों शैतान बन जाएं, शैतान क्यों बन जाएं, हम क्यों अबलीस बन जाएं, हम क्यों, हमें अगर ज़िंदगी अता हुई है, अगर हमें ज़िंदगी मिली है तो हमें आजिज़ी के साथ गुजारना चाहिए, ज़िंदगी में सारे दुख और सुख को देखना चाहिए। अगर ज़िंदगी में सुख ही सुख हो, दुख ना हो, तो उस ज़िंदगी का भी कोई फ़ायदा नहीं, उस ज़िंदगी का भी कोई मज़ा नहीं। अगर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमें देखना चाहिए, हम कहते हैं कि वो आजमाइश हमारी अल्लाह पाक की तरफ से है, वो आजमाइश हमें अल्लाह ताला ने अता की है, ये नहीं, जो भी होता है खुदा रब ताला की तरफ से होता है, खुदावन की तरफ से होता है, हम खुद कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने अगले लम्हे का नहीं पता। मैं इधर बैठी हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ कोई कौन सा मिसहैप हो जाए, क्या हो जाए, मुझे इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है, मुझे नहीं पता
मुझे कुछ भी हो सकता है, मुझे कुछ हो सकता है, खुदा ना खास्ता मेरी फैमिली को कुछ हो सकता है, तो इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। एक दफ़ा मेरे हमारे प्रोफेसर मेरे प्रोफेसर हम लोग बैठे हैं, तो हुआ इस तरह कि उनका 18 ईयर का बेटा जो है वो वफात पा गया रोड एक्सीडेंट में। तो जिस बाप का या जिस माँ का जवान बेटा मर जाए उसे दुख नहीं होगा, होगा, उसकी भी कोई ज़िंदगी है। कहते हैं, सुनने में आता है, जहाँ तक मैंने सुना है कि माँ बाप मर जाए तो वो कमी जो है वो बेशक कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी में मगन हो जाता है, उसे कभी कभी याद आती है। अगर बहन मर जाए तो उसको उससे भी कभी कभी याद किया जाता है, भाई मर जाए उससे भी कभी कभी याद किया जाता है, लेकिन एक औलाद माँ के जिगर का टुकड़ा जब मर जाए तो उस माँ को वो औलाद नहीं भूलती, और उस माँ की ज़िंदगी बहुत अजीर्ण हो जाती है। उस माँ से पूछे कि उस माँ का दुख कितना बड़ा है, वो कितनी दुखी है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है, उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, ये वो अगर हमारे सामने है तो बस खुश है, दुनिया को खुश होकर दिखा रही है, लेकिन अल्लाह की रज़ा में खुश है कि या अल्लाह तूने मुझे इम्तहान में डाला, मुझे आजमाइश में डाला, ये भी बहुत बड़ा इम्तहान है। माँ का जवान बेटा जाना ये कोई इम्तहान छोटा नहीं, बहुत बड़ा इम्तहान है। और हम कुछ कह नहीं सकते, हम कुछ बयान नहीं कर सकते, हम उस टाइम तो तसल्ली देते हैं लेकिन हम उसके दुख में शरीक नहीं हो सकते, शरीक तो हो जाते हैं लेकिन हम उसका दुख बांट नहीं सकते। हमें अगर उससे उल्फत रहेगी तो कितनी देर रहेगी, एक दिन, दो दिन, आठ दिन या दस दिन, एक महीना, बाद में हम भूल जाएंगे, लेकिन वो माँ कभी नहीं भूलेगी। हाँ, कभी कभी हमें याद करके दुख तो होगा, लेकिन उस माँ को तो हो सकता है रात को नींद ही ना आए। तो इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज अवामी टिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल, काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चौप, अवामी मटन कड़ाही, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटर मुल्तानी चौप स्पेशल, अवामी चिकन कड़ाही, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट, बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। एड्रेस, न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवली कैंट, गुजरावाला, MD मोहम्मद सज्जाद, 03006436247। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राणा, और टॉपिक आज का बड़ा उदास सा है और कुछ फीलिंग्स भी इस तरह की हैं, पता नहीं मैं कहीं शो भी ना रो दूँ, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। और आजकल जो चल रहा है कि जो बंदा है, बंदा बंदे के साथ नहीं बल्कि बंदे की आदतों के साथ रहता है। आजकल कहते हैं ना, हमें आजकल की मोहब्बत के बारे में बात की जाए, प्यार के बारे में बात की जाए, मुझे प्यार हो गया, मुझे मोहब्बत हो गई है, मुझे उन्स हो गया है, लेकिन जब वो मोहब्बत या वो प्यार आपको छोड़ देता है, आपसे दूर हो जाता है, आपका गुजारा नहीं हो रहा होता। मोहब्बत ये तो नहीं कहती कि आप किसी को कैद करें, मोहब्बत तो कहती है कि आज़ाद करें, तुम्हारा पंछी हुआ तो आ जाएगा, अगर तुम्हारा पंछी ना हुआ तो कभी भी नहीं आएगा। तो
यही है कि तब वो हमारी आदत होता है, और आदत जो होती है वो बहुत जानलेवा होती है, और आदत जो है उसको भुलाने में टाइम लगता है। मोहब्बत तो चुटकियों में भुला दें, लेकिन आदत जो है उसको बहुत टाइम लगता है, और अच्छा खासा टाइम लगता है। फिर उसी आदत को पूरा करने के लिए टाइम पास किया जाता है उमदा सोशल मीडिया, कोई इंस्टा पे चला गया है, कोई एफबी पे चला गया है, कोई दोस्त ढूंढ रहा है, कोई किसी से कह रहा है जी नंबर दे दो। ये आदतें फिर वो गंदी आदतों में डेवलप हो जाती हैं। लेकिन ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बंदा बंदे के साथ नहीं बल्कि उसकी आदतों के साथ रहता है, और उसी के साथ ज़िंदगी में, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं, ज़िंदगी में बहुत सी आजमाइशें आती हैं। अगर बात की जाए मोहब्बत में, तो मुझे एक चीज़ बहुत मज़े की लगती है, सॉन्ग है, थोड़ा सा है, उसके लिरिक्स हैं, लेकिन मैं आपको शेर की तरह सुनाऊंगी, शेर की गज़ल में, ये गज़ल की सूरत में। जो ना मिल सके वो ही बेवफा, जो ना मिल सके वो ही बेवफा, ये बड़े नसीब की बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है, वही आज तक मेरे साथ है। ये होता है, और मुझे भी लगता है, मेरा मुझे थोड़ा थोड़ा इस चीज़ पे बिलीव भी आता है कि वाकई ही कुछ ऐसा है कि जो इंसान मिल नहीं सकता वही हमें बेवफा लगता है। हम कभी नहीं ये सोचते कि हो सकता है कि उसकी भी मजबूरियाँ हों, वो भी मजबूर हो, पता नहीं कितना को मजबूर हो। तो अब हम ज़रा आ जाते हैं इंस्पायर करने वाले लोगों पर। आजकल लोग कासिम अली शाह से बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, उनकी कोटेशंस पढ़ते हैं। उसके साथ साथ एक कासिम अहमद हैं, उसके साथ साथ मोहम्मद शफ़ी, अली अहमद अवान, मुनीबा मजारी और शेख आतिफ अहमद। लोग इन लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं, इनसे इंस्पिरेशन हासिल कर रहे हैं कि हमें पता चले कि हम क्या करें अगले लम्हों में, हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाएं। अगर आप दूर ना जाएं, आप कासिम अली शाह को देख लें। कासिम अली शाह ने अपनी ज़िंदगी को किस तरह मोटिवेट किया, देखा जाए, सुना है, हमने उनके बारे में सुना है, इंटरव्यू में सुना है। यूनिवर्सिटी में जब कासिम अली शाह ने अपनी फर्स्ट बुक लिखी, अभी इतना जोर नहीं था उनका, कहते थे कि मेरी जेब में 10 रुपये नहीं होते थे कि मैं कैफ़े में अपने दोस्त को चाय पिला सकूं या मैं कुछ कर सकूं, लेकिन मैं लिखता रहता था। यहाँ तक शौक होना कि हम दोस्तों ने पैसे जमा करके, तो वो पहले तस्वीर लिया करते थे स्टूडियो में जाके, हार्ड फॉर्म में जो पिक होती है, हम वो पिक बनवाने के लिए पैसे जमा करते, हम पिक लेते, फिर मैंने कैफ़े में बैठना शुरू किया, वहाँ मैंने कुछ ना कुछ लिखना शुरू किया, मेरे पास आते कोई ना कोई लोग आते मुझसे मिलते, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे होते कि मैं अगले को चाय पिला सकूं। अगर हम देखें तो कासिम अली शाह जो आज हम उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, इंस्पिरेशन हासिल कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कठिन सफ़र तय किया, और हमें बता रहे हैं कि ज़िंदगी जो है इस तरह की होती है। ज़िंदगी किस तरह की होती है, ज़िंदगी देखें तो हमें, हमारे सामने के लोग मिसालें हैं, ये मिसालें बड़ी बड़ी हैं जिनसे हमें ज़िंदगी का पता चलता है। दयानतदारी, बैनुलक्वामी तालुकात, अफराद के माबेन तालुकात, मेहनत, कारोबार, तलीम, इल्मी है जिसकी वजह ये है कि एक मिनट, दयानतदारी, कासिम अली शाह की कोटेशन है, बहुत अच्छी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी है, कहते हैं दयानतदारी, बैनुल अक्वामी तालुकात, अफराद के माबेन तालुकात, मेहनत, कारोबार, तलीम, इल्मी है,
जिसकी वजह ये है कि सच वो वाहिद शय है जो के कारीगर है और वाहिद बुनियाद है जिस पर लफानी रिश्तों को तमीर किया जा सकता है। नो डाउट के वाकई हमारे ताल्लुकात, हमारी तलीम, हमारी जॉब, सब कुछ जो है ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सच होना चाहिए और ज़िंदगी में सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलें। क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा गया? काफिरों ने भी सादिक और अमीन कहा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी झूठ बोला, हमेशा सच बोला। आपके पास कुफार अमानतें रखवा के जाते थे, यहाँ तक ईमान अमानतें रखवा के जाते थे आपकी सच की बुनियाद पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। तो हम लोग जो रिश्ता बनाते हैं, हम लोग रिश्ता ही झूठ की बुनियाद पर बनाते हैं, तो वो रिश्ता कैसे कायम रह सकता है? जब रिश्ता ही झूठ की बुनियाद पर बनाया जाए तो वो रिश्ता कायम नहीं रहता, रिश्ता ख़त्म हो जाता है, वो रिश्ता कभी भी कायम नहीं रहेगा। वो क्योंकि सुनने में आता है, आप लोगों ने सुना है, मैंने सुना है, कहा जाता है कि जो रिश्ता झूठ की बुनियाद से शुरू हो वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है और फिर हम रोना रो रहे होते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारी ज़िंदगी मनहूस है, हमारी ज़िंदगी ऐसे है, हम अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी में ही मुश्किलात को लिख दिया है, हमारे लिए ही मुसीबतें हैं, हमारे लिए ही आफात हैं, हमारे लिए ही सब कुछ है, हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है? नहीं, हमें खुद में से हामियां ढूंढनी चाहिए। हम खुद में से हामियां ढूंढेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ मुझ में हामी थी तो इसलिए ऐसा हुआ। कभी भी किसी को गलत ना बोलें, गलत पहले खुद को देखें, खुद को जांचें। आपको जो कमी या जो हामी अगले में नज़र आ रही है, आप देखें कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या हामी है। मुझ में हामी है तो उसने बात किया, उसको मुझ में से कोई कीड़ा नज़र आया तो उसने बोला है। अगर मुझ में वो चीज़ नहीं तो उस इंसान की क्या जुर्रत के वो बंदा हमें ये बात कह दे? वो बंदा हमें कभी भी बात नहीं कह सकता। हम ज़िंदगी को अगर संवारने पे आए, हमने ज़िंदगी को बदलना हो तो हम अपनी ज़िंदगी को एक सेकेंड में बदल सकते हैं, एक मिनट में बदल सकते हैं, लेकिन हम खुद ही अपनी ज़िंदगी को बदलना नहीं चाहते। हम जितने मर्जी इंस्पिरेशन देख लें, हम जितना मर्जी दूसरों से इंस्पायर हो जाए, लेकिन हम खुद को ही नहीं बदलेंगे तो हम कैसे दुनिया को बदल देंगे? हम कैसे अपने जो चार दीवारी हैं हम उनको कैसे बदल देंगे? हम अपने माहौल को कैसे बदलेंगे? हम ज़िंदगी का क्यों रोना रोते हैं? हम क्यों कहते हैं ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, ज़िंदगी बड़ी अजाब है, ज़िंदगी बड़ी ऐसे है, हमारी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात है? हम क्यों कहते हैं? हमें नहीं कहना चाहिए, हमें खुद पे गौर करना चाहिए, हमें खुद पे अमल करना चाहिए। जब हम खुद पे गौर करेंगे, खुद पे गौर से गौर व फिक्र करेंगे, अमल करेंगे, अगर हमारी ज़िंदगी निखरेगी नहीं तो तब कहिएगा, हमारी ज़िंदगी निखरेगी। हमने खुद को निखारना आना चाहिए, हमें खुद के अंदर चेंजिंग लानी चाहिए। ज़िंदगी निखारने का मतलब ये नहीं कि अच्छा सूट पहन लें, अच्छे शूज़ पहन लें, अच्छा मेकअप कर लें, अच्छे हेयर स्टाइल बना लें, नहीं। निखारने का मतलब ये है कि आपका किरदार जो है वो मज़बूत होना चाहिए, आप आला सीरत के मालिक होने चाहिए। आपकी जब आला सीरत के मालिक होंगे, बाकरदार शख्स होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में वो चाम होगा कि वो किसी और की पर्सनैलिटी में हो ही नहीं सकता। ये खूबियाँ होनी चाहिए हम में, लेकिन हम लोगों में ये खूबियाँ मौजूद नहीं हैं, ये खूबियाँ हम लोगों में से ख़त्म हो चुकी हैं। फिर भी हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी जो है वो कैसे ठीक होगी, हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलेंगे, हमारी ज़िंदगी के दुख सुख कैसे ख़त्म होंगे। तो हम अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए अल्लाह पाक से क्यों नहीं रुजू करते? हम अल्लाह से क्यों नहीं मांगते? हम अल्लाह से क्यों नहीं दुआ करते? हम दुनिया में जितनी मर्ज़ी वो बोलते हैं टक्करें मार लें,
जो मर्जी कर लें, दुनिया के साथ हम जितना मर्जी कर लें, जब तक हम उस ज़ात से रजू नहीं करेंगे, सजदा नहीं देंगे, अपनी मुसीबत नहीं सुनाएंगे, अपने दुख नहीं सुनाएंगे, रो रो के नहीं सुनाएंगे, तोबा नहीं करेंगे, हमारी ज़िंदगी कैसे संवर सकती है। अगर हमारी ज़िंदगी में मुश्किल आ भी जाए तो शुक्र करें, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं तेरी नज़र में हूँ, मैं तेरी नज़र में हूँ तो मेरी ज़िंदगी में ये मौका आया है, मेरी आजमाइश आई है। और आजमाइश का होना ज़रूरी है। आजमाइश किन की नहीं आई, आजमाइश बहुत से लोगों की आई है। अगर देखा जाए तो हज़रत यूनस, उनके लिए आजमाइश थी, हज़रत यूसुफ़ के लिए आजमाइश थी, सबके लिए आजमाइश थी। आजमाइश में डाला गया, हज़रत यकूब को आजमाइश में डाला गया। अगर देखा जाए, अगर सुनते हैं, आप लोगों ने भी सुना है, हज़रत यूसुफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कितनी बड़ी आजमाइश में डाला गया, और बाप उनका रो रो के अंधा हो गया, ये भी बहुत बड़ी आजमाइश थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश हुई, हज़रत बिलाल हबशी की आजमाइश हुई, हम तो फिर इंसान हैं, उनकी आजमाइशें हुई जो अल्लाह के प्यारे थे, जो नबी के प्यारे थे, फिर उसके साथ साथ बहुत से नबियों की आजमाइश हुई, बहुत सी शख्सियात की आजमाइश हुई, जिनकी आजमाइश हुई, सहद से सहद आजमाइश हुई। आज वही हमारे लिए सब कुछ हैं, उन्हीं का नाम है। हम अगर आजमाइश में ऐसे नहीं गुजरेंगे तो हमारा कहाँ नाम होगा, हमें कोई जानने वाला नहीं है, ना हमें कोई पहचानने वाला है। हम आज मर जाएंगे, कल हमें कोई भी नहीं देखेगा, कल भूल जाएंगे, पता नहीं कौन था कौन है। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे रहते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग DHA की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब DHA में रिहाइश हर किसी की पहुंच में, मेगा स्टेट DHA फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश, 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल, इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका, DHA कैंट गुजरावाला में, फाइल्स कैश और आसान एक्सात पर। इसके अलावा DC कॉलोनी अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान, एड्रेस बिल मुकाबिल DHA ऑफिस, मेन GT रोड रहवाली कैंट गुजरावाला, कॉन्टेक्ट नंबर 03314643580, 03006433923, 07333927 and 05538284। जब खाने हो दाल चावल तो जुबान पर एक ही नाम आता है, यादगार दाल चावल, गुड फूड गुड सर्विस, नाम ही हमारी पहचान। इसके अलावा पाकिस्तानी खाने जिसमें मुश्का फिश फ्राई, रघू फिश फ्राई, बाम फिश फ्राई, फिंगर फिश फ्राई, शिंगारी फिश फ्राई, बीफ कड़ाही, चिकन कड़ाही, दाल चावल, बड़े पाए, मुर्ग चने, अंडा कोफ्ता, फ्री होम डिलीवरी। एड्रेस नज़्द जामे मस्जिद गुलजार मदीना, फिल मुकाबिल PSO पंप राहवाली, उस्ताद नईम 03049829017, उस्ताद बिल्ला 03016441783। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नए सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राणा। और आज हम बात कर रहे हैं जिंदगी पे, जिंदगी को संवारा कैसे जाए, जिंदगी को निखारा कैसे जाए। जिंदगी बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, तो इतनी भी नहीं मुश्किल जितना हम जिंदगी को खुद मुश्किल बनाते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग जिंदगी को खुद मुश्किल बनाते हैं। हम लोग एक दलदल से निकलते हैं और उस दलदल से निकलने के लिए हम फिर बहुत बड़े अजाब में खुद ही फंस जाते हैं। हमें तब समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या करना है,
कहते हैं जिंदगी बदलनी हो तो एक जुमले, एक वाक्या और एक उस्ताद से बदल। कहते हैं जिंदगी बदलनी हो तो एक जुमले, एक उस्ताद, एक वाक्य से ही जिंदगी बदल जाती है। ना बदलनी हो तो हजार किताबें, हजार दानिश्वर और हजार वाकयात भी मिलकर आपका बाल बीगा नहीं कर सकते अगर जिंदगी आपने नहीं बदलनी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी ज़िंदगी कितनी बदलनी है। ये सब कुछ आप पे है। आप चाहें तो अपनी ज़िंदगी को चार चांद लगा सकते हैं, ज़िंदगी में रौनक ला सकते हैं। अगर आप ही नहीं चाहेंगे तो ये जितने भी दानिश्वर हैं कि आप कुछ भी नहीं, शफाक अहमद, बानो कुर्सिया, कासिम अली शाह, शेख आतिफ अहमद और भी बहुत से हैं, आप उनसे जितना मर्जी इंस्पायर हों, लेकिन जब तक आप खुद में चेंजिंग नहीं लाएंगे, आप नहीं चाहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते। आप अपनी ज़िंदगी को बदलना नहीं चाहते तो ज़िंदगी कैसे बदलेगी भाई? पहले खुद को बदलो, खुद को बदलोगे तो ज़िंदगी बदलेगी ना। ये तो नहीं है कि स्टाइल बना लिए ज़िंदगी बदल जाएगी, नहीं। खुद करना सीखें, खुद करेंगे तो इंशाल्लाह होगा। जब खुद सब कुछ करेंगे तो हर चीज़ आपके कदमों में होगी। उसके साथ साथ अगर आप अपनी कामयाबियों को अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं, अगर आप अपनी कामयाबियों को अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं तो वो आपके पास भी नहीं रहेंगी। देख लें, अंदाज़ा कर लें, कुछ लोग चाहते हैं कि सिर्फ हम कामयाब हों, कोई दूसरा कामयाब ना हो। हसद आ जाती है, जलन आ जाती है, नफ़रत आ जाती है। उनका काम होता है कि बस हम अप टू हाई लेवल पे जाएं, जो दूसरा है वो यही हमें देखता रहे, आगे ना जाए। तो जब आप अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी ज़ात तक रखते हैं, किसी और को कामयाब नहीं होता देख सकते, तो फिर आप कुछ भी नहीं हैं, फिर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आप दूसरों को बताएं कि मुझे इस रास्ते से कामयाबी मिली, ये मेरी ज़िंदगी का सफ़र है, शुरू सफ़र ये है और आगाज़ मैंने ऐसे किया, मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने इतने कठिन रास्ता यूज़ किया, मैंने इतना कठिन सफ़र तय किया। मेरी ज़िंदगी में अगर बहुत कांटे थे तो फूल भी आए, मैंने उन कांटों को समेटा, देख देख के फूंक फूंक के कदम रखे। अगर हम कांटों पे अंधों की तरह चलना शुरू कर दें तो फिर हमें फूल इतनी जल्दी नहीं मिलते। हमें आराम से अपनी जो ज़िंदगी की आजमाइश है, आराम से, सब्र से, सुकून से तय करना होगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तू, ऐ मेरे मौला, तूने जिस हाल में रखा हम खुश हैं। हमारी ज़ुबान पे जब ये अल्फाज आ जाएंगे तो क्यों ना हम कामयाब होंगे, हम कामयाब होंगे। हमारे पीछे एक पावर होनी चाहिए और वो पावर है आपकी माँ। आप अपने वालिदैन से बहुत इंस्पायर होते हैं, आपके वालिदैन आपके लिए क्या कुछ नहीं करते, वो अपनी ज़िंदगी को गिरवी रख देते हैं आपके लिए, अपनी ज़िंदगी को बेच देते हैं आपके लिए, अपनी ज़िंदगी के साथ पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं आपके लिए, लेकिन आपको आगे जाने का रास्ता बताते हैं कि बेटा इस लाइन को इस तरह तय करना है। फिर हम क्यों कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम ये क्यों बोलते हैं? हम
अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारे माँ बाप ही हमारी इंस्पिरेशन हैं। हम दूसरों से कम सीखें, हमें अपने माँ बाप को देखना चाहिए जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी को निखारना है तो उन्हीं को देख के। कहते हैं नेकी का सिला लोगों से तलब करना हमाकत है। अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है, वो खुद आपके एहसान का बेहतरीन सिला देगा। और वाकई ही इसमें कोई शक नहीं कि जो नेकी इसीलिए तो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, के नेकी करो और दरिया में डाल दो और इसका अजर मिलेगा। अल्लाह पाक एहसान करने वालों को बहुत पसंद करता है। जब तुम किसी पे एहसान करते हो तो अल्लाह पाक उसका बेहतरीन सिला देता है। जब तुम किसी को कोई राह दिखाते हो तो अल्लाह पाक उसका भी सिला देता है। जब नेकी का रास्ता देते हो, नेकी की राह बताते हो, तो वो उसका सिला देता है। इस दिन सिरातुल मुस्तकीम, हदायत का रास्ता बताओगे तो वो अल्लाह की ज़ात तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। ये जितने भी मैंने इंस्पिरेशन वाले लोग, इंस्पायर करने वाले लोग हैं, वो किसके लिए सब कुछ कर रहे हैं? वो भी अल्लाह पाक के लिए। नहीं तो कौन मुफ्त में अपनी इतनी खीर बांटता है? कौन मुफ्त में कोटेशन लिख के देता है? कौन ऐसे करता है? अब रिसेंटली एक शेफ़ हैं, वो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उनसे किसी ने पूछा, उनकी कज़न ने पूछा कि मुझे रेसिपी बता दे। उन्होंने कहा मैं मुफ्त में नहीं बता सकती, मैंने बड़े धक्के खाए हैं और तब जाके मैंने कुकिंग सीखी है। मुझे पता है मैंने कैसे कुकिंग सीखी है और मैं तुम्हें मुफ्त में बता दूँ? तो कहती हैं मैंने कभी मुफ्त में किसी को रेसिपी नहीं बताई। तो मैं हैरान हुई कि ये मुफ्त में रेसिपी नहीं बताती और लोगों ने इतने चैनल्स बनाए हुए, इतना कुछ कर रहे हैं, इतना लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। सदका जारिया है सब कुछ के, जो चीज़ों को बताई जा रही है, जो लोग चीज़ें बताते हैं, जो अच्छे से गाइड करते हैं, वो भी सदका जारिया है। इंस्पायर करना, नेकी की राह दिखाना, ये भी सदका जारिया है। अल्लाह पाक सिला देने वाला है और अल्लाह पाक उसका बेहतरीन सिला देगा और इंशाल्लाह देगा। अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो कि हमारी ज़िंदगी में कुछ चेंजिंग आए, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करें, तो सबसे पहले सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखो। जिनका भरोसा अल्लाह हो, उनकी मंजिल कामयाबी है, बेशक इसमें कोई शक नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखो कि मुझे सिर्फ अपने रब पे यकीन है और मेरा ये काम होगा। जब आप रब पे यकीन रख के ये काम करोगे तो आपका काम होगा। मेरा खुद इस मामले में जो यकीन है वो बहुत पुख्ता है, कामिल यकीन है कि मेरा एक काम था तो मुझे पता था, मैंने कहा था होगा। मैंने इबादत की, बहुत इबादत की और एक साल पूरा मुझे अपने रब पे यकीन था तो मेरा काम, वो काम हो गया, क्योंकि मुझे पता था, मुझे यकीन था और मेरा पुख्ता यकीन था। इसीलिए तो कहते हैं यकीन कामिल होना चाहिए, पीर कामिल नहीं। यकीन कामिल होगा तो काम होगा। जब हम पीरों पे यकीन ना रखें, सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह ही मंजिल देने वाला है, अल्लाह ही अता करने वाला है। जब हमें पता है कि हमारा राजिक, हमारा मालिक हर चीज़ उसी के अंडर है, हर चीज़ वो अता करने वाला है, तो फिर हम क्यों करें? हमें उसी पे यकीन रखना चाहिए, हमें सब कुछ अल्लाह के सहारे छोड़ देना चाहिए। या अल्लाह तू जो करेगा बेहतर करेगा, हमारी ज़िंदगी को बनाएगा भी तू और संवारेगा भी तू, निखारेगा भी तू। जब हमारे ये यकीन पुख्ता होंगे तो इंशाल्लाह कैसे नहीं हमारे काम होंगे। सिर्फ यकीन का पुख्ता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक और चीज़ आती है कि हम लोग हैं, कहते हैं अपना दर बेच दे बेटा, अपने आप को इतना बड़ा करना है तो इसको कटिंग करना। अपना दर बेच दे बेटा, अगर अपने आप को बड़ा करना है। जब हम अपना दर्द ही
बेच देंगे। बेचने का मतलब यह है कि अपने दर्द को दफना देना, अपने दर्द को ख़त्म कर देना। ये नहीं कि अपने दर्द का रोना रोना, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ किसी ने ऐसा कर दिया, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे बहुत दुख है। हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ यही कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत तकलीफ़ है, मेरा दर्द बहुत बड़ा है, तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लोगों को क्या पता हो, जब तुम लोगों पे गुजरेगी तो फिर पता चलेगा। नहीं, हमें दर्द अगर मिला है तो उस वो दर्द वो ख़त्म भी हो जाएगा, उसके लिए मरहम भी मिलेगा, वो दर्द इंशाल्लाह ख़त्म होगा। हमें अपने दर्द को दफना देना चाहिए, जितनी भी अज़ियत हो वो शो ऑफ नहीं करवानी चाहिए, हमें नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम दिखाएंगे भी तो लोग हमसे थोड़ी देर के लिए हमदर्दी रखेंगे, क्या भरोसा, बाद में वो किसी और को बताते फिरें जी इसके साथ ही है, इसमें भी कोई हामी थी, इसमें हामी थी तो ऐसे हुआ, इसको ये था तो ऐसे हुआ। तो खुद के दर्द को छुपाना सीखें, खुद के दर्द को छुपाना सीखें और खुशियां बांटना सीखें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बड़ी बेहतर हो जाएगी। हम अपनी ज़िंदगी में रंग बनने वाले भी होते हैं, हम उसमें बड़ी अच्छे तरीके से पेंटिंग कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में हम तितलियों की तरह रंग भर सकते हैं, फूलों की तरह रंग भर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी हमारी अपनी है। जब ज़िंदगी हमारी अपनी है तो हम खुद क्यों नहीं इसके साथ सब कुछ करते, हम क्यों दूसरों के सहारे छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। जी व्यूवर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राणा, और आज हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी पे और उसी के साथ साथ ज़िंदगी को मज़ीद कैसे बेहतर बनाया जाए। कहते हैं कि उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिनको पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता, जिनको पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता, फिर उनकी कदर करना शुरू कर दे, ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी, फिर उनकी कदर शुरू कर दे। हमारे पास बहुत से, अगर सुकून की बात है, हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, हम अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम देते हैं, हमारे लिए वो बेकदरे होते हैं, हमें लगता है कि बेकदरे हैं। हमें तब पता चलता है जब कोई हमसे बिछड़ जाए या निखर जाए, निखर मतलब कि अलग हो जाए, तब हमें जाके पता चलता है अच्छा हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, हम पहले क्यों नहीं कदर कर सके। और वाकई ही इस बिग रियलिटी, इस ट्रू रियलिटी के ज़िंदगी का पता ही तब चलता है, कदर ही इंसान की तब होती है जब आपसे कोई बिछड़ जाए, अदरवाइज कभी भी कदर नहीं होती। हम अपने घर में बहुत से लोगों को बेकदरा कर देते हैं, हम उनकी कदर नहीं करते। हमारे घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम कदर नहीं करते, हम हर चीज़ को कुछ भी नहीं समझते, ये हमारा हाल है। कहते हैं डोंट डाई बिफोर डेथ, कभी भी मौत से पहले नहीं मरना चाहिए, कभी भी मौत से पहले अपने ख्वाबों को नहीं मारना चाहिए, कभी भी मौत से पहले खुद को ख़त्म नहीं करना चाहिए। हम कह रहे होते हैं हम तो कब के मर गए, अब जब मर्जी दफना दो, नहीं, जीना सीखो। कभी कुछ ख़त्म हो भी जाए तो अल्लाह पाक सब्र देता है, अल्लाह पाक राह दिखाता है, अल्लाह पाक सब कुछ करता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती, हमें पता नहीं चलता कि हमने कौन सा वे चूज़ करना है। हमारे पास बहुत से वे आते हैं लेकिन हमें चूज़ करने की समझ नहीं आती, हमें वो सलाहियत ख़त्म हो रही होती है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए। उसके साथ साथ अगर बात आजमाइश और मुश्किलों की हो तो मुश्किलें हमेशा काबिल लोगों के ज़िम्मे आती हैं,
हमेशा काबिल लोगों के रास्ते में आती हैं कि अल्लाह पाक को पता होता है कि ये मेरा बंदा बहुत काबिल है और ये इस मुश्किल को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेगा, इस मुश्किल से निजात हासिल कर लेगा। कभी भी उन लोगों को मुश्किलें नहीं आई जो काबिल नहीं होते। मिसाल देती हूँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, कितनी मुश्किलें आई, कितना कठिन रास्ता तय किया, तब जाके पाकिस्तान बना उनकी मेहनत से, उनकी लगन से। लामा इकबाल को कितनी मुश्किलें पेश आई, सबको आई, आती हैं, यही जिंदगी का हिस्सा है, मुश्किलात आती हैं। यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी, यू आर द हीरो ऑफ योर ओन लाइफ, you are the hero of your own life story and heroes never give up। आप अपनी जिंदगी के खुद हीरो हैं। आप दूसरे हीरोज को देखें, ये ना कहें कि उसने अपनी जिंदगी को इस तरह सवारा, इस तरह निखारा, इस तरह किया, नहीं, आप अपनी जिंदगी के खुद हीरो हैं। वो कहते हैं you are the hero of your own life story and heroes never give up, कि आप अपनी जिंदगी के खुद हीरो हैं। कभी भी उसको लेट डाउन ना करें, उसको अप लेके जाएं, अप से अप करें और अप करें। उसके साथ साथ अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीखें। जब आप खुद को, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो खुद को कंट्रोल करना सीखें। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो लोगों को अपने साथ रखें। ये नहीं कि आप अकेले सफ़र पे निकल गए हैं, अकेले सफ़र पे जाएंगे तो जो आपकी ज़िंदगी है वो नहीं हो सकेगी। आप अकेले सफ़र में निकलेंगे तो आप पहले एक होंगे, लेकिन आपके साथ काफ़िला होना चाहिए, आपके साथ लोग होने चाहिए जो कहें वाकई ही तुम ठीक कर रहे हो। वो लोग नहीं जो कहें कि तुम गलत कर रहे हो, उन लोगों को साथ रखें। उसके साथ साथ एक और चीज़, हम अल्लाह को कभी अपना पहला सहारा नहीं मानते, हमेशा आखिरी मानते हैं, इसलिए भटक जाते हैं। हम जब दुनिया से बड़ी वो दुनिया का हर चीज़ आजमा के देख लेते हैं, हर रास्ता आजमा के देख लेते हैं, एक एक चीज़ को देख लेते हैं, तब जाके हमें एहसास होता है कि नहीं, अब अल्लाह के हजूर सजदा देना है, सजदा हजूर होना है, तो तब जाके हमारी मुश्किलें आसान होंगी, तब जाके हमारी ज़िंदगी बनेगी, तब जाके हम निखरेंगे। हमें तब एहसास होता है, हमें तब पता चलता है, हम पहले कुछ भी नहीं करते, हम पहले कभी उस दर्जा, कभी उस दर्जा, हमें थोड़ा सा दर्द मिले, जो दर्द ना काबिले बर्दाश्त हो, कभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कभी हम पीरों के पास जा रहे हैं, कभी हम कहीं भी जा रहे हैं कि हम ठीक हो जाए, हमारी ये मुश्किल आसान हो जाए, लेकिन हमें पता है कि हमारी रूह को सुकून इबादत से मिलता है, हमारे जहन को सुकून इबादत से मिलता है, रब को याद करो तो सुकून मिलता है। एक रब का दूर नहीं जाते, आप नमाज ना पढ़ें, तिलावत कुरान पाक ना करें, तो आप सुबह सुबह अस्माउल हुस्ना सुने तो एक अलग सरूर है, एक अलग मज़ा है, उसके सुनने में सुकून है, हमें सुकून मिल जाता है कि अल्लाह के नाम लिए जा रहे हैं। तो जब अल्लाह के नाम लिए जा रहे हों फिर इस तर्ज के साथ, इस खूबसूरती के साथ, तो हमारे दिल और रूह को कैसे नहीं सुकून मिलेगा, मिलेगा। हमें ज़िंदगी गुजारनी है तो उस रब के हजूर सजदा करना चाहिए, अपनी रूह को सुकून देना चाहिए, हमें अपने दिमाग को सुकून देना चाहिए, हमें इबादत करनी चाहिए। अगर हम अल्लाह को ही सबसे पहले, अपना पहला सहारा ही अल्लाह को मान लें,
अपना पहला सहारा ही अल्लाह को मान के चलें तो हम कभी भी नहीं भटकेंगे। हमें कोई नहीं कहेगा इस दिन सिरातुल मुस्तकीम के ज़िंदगी का जो सीधा रास्ता है ये है, या हदायत पाने वाला रास्ता ये है। हम जब अल्लाह के अहकाम मान के चलेंगे तो हम दूसरों को रास्ता दिखाएंगे, दूसरों को हदायत देंगे कि ये है रास्ता, ये है हदायत, ये हदायत का रास्ता है, ये नेकी का रास्ता है। चलते जाओ रोशनी मिलती जाएगी, रोशनी मिलती जाएगी तो ज़िंदगी बनती जाएगी, ज़िंदगी संवरती जाएगी, ज़िंदगी निखरती जाएगी। हम खुद, हमें अहद करना चाहिए, हमें तहैया करना चाहिए कि हम खुद अपनी ज़िंदगी को निखारें, हम खुद अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन करें। हम क्यों नहीं ऐसे करते, हम क्यों मुश्किलात में पड़े हैं, हम क्यों अपनी ज़िंदगी को अजीरन बना रहे हैं, हम क्यों नहीं ऐसा करते, हमें क्यों नहीं समझ आती। हमें समझ जाना चाहिए, हमें आज समझ जाना चाहिए कि हमारा दीन इतना आसान है कि यहाँ तक फरमा दिया जाता है कि तुलुए सूरज से लेकर गुरुबे अफ्ताब से पहले पहले तोबा कर लो, मैं तुम्हारी तोबा कबूल करूँगा। हम क्यों नहीं सच्चे दिल से दुआ करते। हम सच्चे दिल से दुआ करें तो हमारी दुआएं रद्द नहीं होंगी, हमारी हर दुआ कबूल होगी, हमारी दुआएं कबूल होंगी, हमें सुकून मिलेगा। हमें अल्लाह के हजूर पेश होना है, हमें वहाँ सजदा करना है। तो आए व्यूवर्स, आज से हम करते हैं दुआ कि अल्लाह पाक हमारी सब की ज़िंदगियों को आसान कर दे, जिनकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं उनको आसान करें। और उसके साथ साथ ये कि आज के दिन जिनकी बर्थडे हैं उनको हैप्पी बर्थडे, और उसके साथ साथ मेरे भाई के लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा, सूरह फातिहा पढ़ के उसके लिए भी एहसाने सवाब कीजिएगा, और अल्लाह पाक उसका भी रास्ता आसान करे, और मुझे भी और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक दे। हम भी लोगों के लिए इंस्पायर बने के लोग हमें दे के मोटिवेट हों, हमें दे के इंस्पायर हों कि इनकी ज़िंदगी ऐसी है, हम भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे बनाएं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो, अमीर है गरीब है, जिस तरह का भी इंसान है उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मुश्किल है। हमने कभी हम उसका बनावटी चेहरा देखते हैं, हम अगर पीछे से जाने तो हमें पता चलता है कि इस बंदे की लाइफ में भी इतनी मुश्किलात हैं। तो उसके साथ साथ आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा, और ये कि अपने कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिएगा, और हमारे चैनल को CT55 को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आज का टॉपिक किस तरह का था। मज़ीद इसमें मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं माज़र करती हूँ, क्योंकि मुझे सम टाइम ऐसा हो जाता है कि अल्फाज का चुनाव करना मुश्किल हो जाता है, हम जल्दी में अल्फाज को उल्ट पुल्ट बोल देते हैं, तो उसके लिए माजरत। और उसके साथ साथ जब तुम मैसेज ऑफ द डे, जब तुम सुकून की कमी महसूस करो, जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो रब के सामने सजदा रेज हो जाओ, तो रब के सामने सजदा रेज हो जाओ और अल्लाह पाक को सजदा करो। अल्लाह पाक आपकी तौबा कबूल करें, मेरी तौबा कबूल करें, और हमेशा अस्तगफार का विर्द करते रहा करें, आपकी हर तकलीफ आसान हो जाएगी। और उसके साथ साथ बताइएगा, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो रहा है और सबको बहुत बहुत जल्दी पड़ी हुई है कि जल्दी से वाइंड अप हो, और उसी के साथ सोनी राणा को दीजिए इजाज़त। कल इसी टाइम इसी वक्त इसी प्रोग्राम में न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।